बेटी को जो वस्तु बना के आप लोग ये कर रहे हैं, और जिस तरह का आरती का हाल है, हम यही करते हैं कि सबसे जो जिसको पसंद है उसे करा देना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी का जान से नहीं मरना चाहिए। क्या प्यार करना तो गुनाह नहीं, और ये गलत नहीं कर रही थी, ये भाग भी नहीं रही थी। अगर एक छोटू को कोई खत्म कर दिया तो हमें नहीं लगता कि पूरा देश का छोटू प्यार करना बंद कर देगा। कैसे घटना घटा था ये? ये सिर्फ बताइए आरती जी कि ये जो घटना हुआ, अब तक जो मामला चल रहा है, तो अब आगे सरकार या प्रशासन से क्या निवेदन करेंगे? कब तक इनका सुनवाई बहुत लेट डिले हो रहा है ऐसा लग रहा है? ढीला तो नहीं होना चाहिए, तो इतना लेट भी नहीं होना चाहिए। 72 घंटा का समय लिया था, 72 घंटा का समय लिया था, अब तक नहीं किया गया, अब तक कुछ भी नहीं किया गया, कोर्ट गिरफ्तारी को नहीं पकड़ा गया है। उस दिन तो पप्पू यादव भी आपको आए थे, आपसे बातचीत की, उनके द्वारा भी बताया गया, लेकिन उनके द्वारा क्या अब तक आपका मदद किया गया? अभी तक तो कहाँ कुछ हुआ है, मतलब वो आए बोल के गए लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कहाँ कुछ हुआ है। तो अब मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जनता से आप क्या अपील करेंगे, ताकि जनता आपके सपोर्ट में इतना ज़्यादा खड़ा है, हर कोई आपके लिए सोच रहा है, तो अब जनता से क्या अपील करेंगे ताकि जनता आपके साथ रहे और आपका जो छोटू को और आपको हक इंसाफ मिल पाए? जनता से हम क्या कहेंगे? तो अब एक बात बताइए कि आजकल आप जो प्यार किए हैं, आपका प्यारा जग जाहिर है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे प्यार करते हैं जो खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो तो अपने पे डिपेंड करता है, वो तो प्रेम पे डिपेंड है, लेकिन जो ऐसा प्रेम करता है उसको ऐसा होना चाहिए, अपने में करा देना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए। हम यही करते हैं कि सबसे जो जिसको पसंद है उसे करा देना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी का जान से नहीं मरना चाहिए। मतलब ऐसे माँ बापों को अपने बाल बच्चों के शादी जिससे पसंद हो उससे शादी करा देना चाहिए, वो भी उसको बच्चा सबको भी सोचना चाहिए कि अपना कास्ट में होना चाहिए, अपना मतलब लेवल पे होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे जाति में की कर ले, इसे भी बहुत खतरनाक होता है। अब ये नहीं कि दूसरे कास्ट में जाकर हम प्यार कर लिए तो उससे करा दे, ये भी माँ बाप का हक नहीं बनता, बच्चा का ये भी हक नहीं बनता है, लेकिन अपने कास्ट में हो, अपने लेवल में हो, अपने सब चीज़ में हो तो करा देना चाहिए, जब खुशी खुशी है तो बच्चे। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो भी कातिल है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, वो कातिलों में से आपके पिता भाई जीजा हैं, क्या उनको जो अगर सजा मिल जाए तो आपके परिवार का क्या होगा? क्या आप कह रहे हैं कि कातिलों को सजा मिलना चाहिए, कातिलों में से आपका भाई पिता और जीजा जी भी हैं? देखिए कानून के आधार पे है, कानून पे इसको सबसे पहले तो अपना समझना चाहिए, वो अगर जो नहीं मरता तो क्या उसको सजा मिलता, मरा तो सजा मिल रहा है, यानी कि चाहे वो अगर कोई भी रहे उसको सजा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए सजा। तो अगर आज कानून के दायरे में रहकर कहीं उनको अगर फांसी मत बराइए, परेशान छे। बेटी एक वस्तु के समान रह चुकी है, अगर बेटा करे प्यार तो ठीक है, अगर बेटी कर ले तो उसके लिए ये हो जाता है कि मेरा इज्जत, मेरा मान, मेरा प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाता है। तो आप जब बेटी जन्म लेती है आप उसी टाइम क्यों नहीं खत्म कर देते हैं? जब आप बेटी का सुख और उसका आप ये नहीं समझ सकते हैं, जब ये सब कुछ बता रही थी, ऐसा नहीं है कि छुपके कर रही थी, ये सब कुछ तो बता रही है, सबको पता है कि सब कुछ बता रही है। क्या प्यार करना तो गुनाह नहीं, और ये गलत नहीं कर रही थी, ये भाग भी नहीं रही थी, ऐसा कुछ था? प्यार तो भगवान ने भी किए थे, ऐसा नहीं है कि भगवान प्यार नहीं किए थे, भगवान भी प्यार किए थे, लेकिन उनके लिए सब कुछ सही है। लेकिन अगर आम लड़की नॉर्मल लड़की कुछ कर ले तो उसके लिए ये गुनाह हो जाता है। अगर एक छोटू को कोई खत्म कर दिया तो हमें नहीं लगता कि पूरा देश का छोटू प्यार करना बंद कर देगा। आपको लगता है कि देश का पूरा छोटू प्यार करना बंद कर देगा? हमें नहीं लगता है कि एक छोटू को मारने से कि प्यार बंद हो जाएगा। आज एक आरती खड़ी है और इसके साथ हजारों आरती खड़ी रहेगी। प्यार करना गुनाह नहीं है, सीधा हम बोलते हैं। आप लोग इस चीज को जो दबा रहे हैं और बेटी को जो वस्तु बना के आप लोग ये कर रहे हैं, आज जिस तरह का आरती का हाल है, सबसे पहले तो उसको सजा होना चाहिए और फांसी का सजा होना चाहिए ऐसे लोगों को और ऐसे समाज को जो इस चीज का सपोर्ट करते हैं, ऐसे समाज जो उसकाते हैं आप उसके परिवार को कि तुम्हारी बेटी ऐसी है, तुम्हारी बेटी वैसी है, ऐसे समाज को भी ये करना जरूरी है, अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है कि समाज सबसे ज्यादा परिवार से ज्यादा सबसे ज्यादा समाज इस बीच में आ जाते हैं कि तुम्हारी बेटी ऐसी है, तुम्हारी बेटी वैसी है। पहले तो अपने घर में झांकते नहीं है और दूसरे के घर में जाते हैं टांग अड़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक छोटू मर गया है तो प्यार करना कोई बंद कर देगा, प्यार जिंदा है और एकदम से जिंदा रहे।